Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Gulshan and I am a beauty content creator. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते हैं तो थैंक यू सो मच. सो आज की वीडियो में मैं अपने कुछ जून फेवरेट्स जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी. मतलब मुझे पिछले मंथ में जो है कौन कौन से जो प्रोडक्ट है और कौन सी बुक्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली जो यूज़ करा है, जो अभी लास्ट जो मंथ गया है जून में, उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद आई है तो वो मैं आपको बताऊंगी. वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. तो इस वीडियो में स्किन केयर है, मेकअप है, बुक्स है, सब है और कुछ मोमेंट्स में भी, मतलब अभी तो कुछ खास ऐसा मोमेंट्स था नहीं, कुछ सैड मोमेंट्स ही थे जो एक आध दिन जैसे हो जाता है, पूरा वीडियो बनाते रहो देन एक आध दिन ऐसे सैड डेज भी आ जाते हैं जब आपका कुछ करने का मन नहीं करता. एक दो दिन पहले से मेरा ऐसे ही डेज थे कि जब मेरा ज़्यादा काम करने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने ज़्यादा काम किया भी नहीं. तो अब ज़्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो. वो है ये न्यूट्रीजेना का ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम. सो अभी रिसेंटली जो है काफ़ी वीडियोस में, अगर आप मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा. लाइट वेट है स्किन पे और इसमें जो है ना दो साइजेस आते हैं. एक साइज इसका ये ट्रैवल साइज है और इससे एक बड़ा साइज भी आता है. तो आप ये वाला पहले ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है. और मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट लगी. जैसे कि आपने देखा ये बहुत ही प्यारे से क्यूट से पैकेज में आता है और इसका जो प्राइस है वो 450 रुपीज़ है. फ्रेग्रेंस जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा ओवर फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है. आपकी स्किन में जो है ये बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है. इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है एब्जॉर्ब करना, क्योंकि अभी जो है ना समर्स भी चल रहे हैं तो समर्स में आपका पसीना वगैरह आता है और कोई भी आपने क्रीम लगाई है वो निकल जाती है. सो ये ऐसा नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी भी है. सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे. सो ये भी एक समर एसेंशियल है समर्स डेज में. ये जो है ना बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है. जैसे अगर आप कभी भी धूप बाहर वगैरह से आओ और धूप में आपका जो स्किन ना बहुत ज़्यादा मतलब डल सी हो जाती है, इसलिए तो आप जल्दी से फेस वॉश करो और उसके बाद आप ये वाला पिलग्रिम का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो. और ये एलोवेरा जो है आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, हेयर पे यूज़ कर सकते हो. और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है ना वो है इसकी नॉन फ्रेग्रेंस. मतलब मुझे एलोवेरा की ज़्यादा फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है. तो थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी होता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये यू नो अपने फेस पे आप मैंने कुछ लगाया है और कुछ स्मेल कर रहा है. तो मुझे इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जैसे कि वाइट लोटस, विटामिन ई एंड विटामिन B5 और भी यूज़ करूँगी. ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो इसका ऑलमोस्ट इतना हो ही चुका है. रिकमेंड भी करूँगी अगर आपको फ्रेग्रेंस फ्री और समर्स में अच्छा सा एलोवेरा जेल चाहिए कि आप बाहर से आएँ एंड फेस वॉश करें और जल्दी से ये एलोवेरा जेल लगा लें जिससे आपके एक्नी वगैरह भी ज़्यादा आने के जो चांसेस है वो कम हो जाए. तो इसलिए ये एलोवेरा जेल चाहिए तो आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. इसकी जो चीज़ है वो है ये नेल पॉलिश रिमूवर. ये मैं मिनिसो से लाई थी और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. जैसे कि आप इसमें ना ऐसे वाइप्स आती है तो इसमें ऐसे 30 वाइप्स आई है इसमें निकाल के यूज़ कर सकते हो. ये मेरे से निकल क्यों नहीं रहा है, वो फाइनली निकल गया. तो आप है रिमूव कर सकते हो. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. अब आपकी जो है बॉटल नहीं लेनी पड़ेगी एंड देन यू गेट द कॉटन और उसके बाद आप नेल पेंट रिमूव कर रहे हो. तो ये मुझे ऐसा फ़ायदा सा लगा और ये बहुत ही सस्ता भी था. इसमें 30 वाइप्स भी हैं तो आप आराम से लाइक 4-5 टाइम्स जो आराम से यूज़ कर सकते हो. और ये इसका जो प्राइस है वो भी 60 रुपीज़ है और इसका फ्लेवर जो है वो लेमन का है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. जो है ना अपना स्किन केयर आपको बता दिया, जो ये तीन चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी स्किन केयर में जो मेरे लास्ट मंथ मेरे फेवरेट थे. तो बुक्स जो है ये मैंने ली है और ये बुक बहुत ही अमेजिंग है. मतलब ना मैं मोस्टली फिक्शन बुक पढ़ती थी तो उसमें मुझे मज़ा आता था. लाइक आपकी स्टोरी होती है, इमेजिनरी स्टोरी होती है, मज़ा आता है. और ये जो नॉन फिक्शन बुक होती है ये बहुत ही अमेजिंग होती है. जैसे कि इसमें जो है ना आपके ऐसे लॉज हैं, आपको बहुत सारे लॉज हैं, ये ज़िंदगी के लॉज हैं. पहला जो लॉ है इसमें, नेवर आउटशाइन द मास्टर्स, कंसील योर इंटेंशन, से लेस देन नेसेसरी. और काफ़ी सारे लेसन्स हैं. तो आप हमें लाइफ में लोगों के इंटेंशंस पता नहीं होते हैं और हम उस फ्लो में जो है आ जाते हैं. तो ये सारी बुक्स जो है आपको हेल्प करती है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में. और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि आप सबके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, बट इन सारी बुक्स पढ़ने से ना हमारे पर्सपेक्टिव मिल जाता है, लाइफ चल जाती है, आपके खुद के फ्लॉज पता चल जाते हैं. सो काफ़ी चीज़ें हैं. और दूसरी जो बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल.
तो ये भी बहुत अच्छी बुक है. सो बहुत सारे लॉज इसमें से पढ़ लिए हैं. इसमें मैंने बहुत अच्छा है जैसे यू कांट विन एन आर्गुमेंट, हाउ टू अवॉइड मीज इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट. सो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी. तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी. एक लेसन है, उस लेसन के बाद आपको जो है बाद भी आपको जो लेसन मिलता है वो बहुत अच्छा. मतलब गुस्सा बहुत आता है तो मैं मतलब काफ़ी बार मैं अपनी वॉइस जो है काफ़ी रेज कर देती हूँ. तो इसमें यही है कि आपको कभी जो है ना वॉइस कभी रेज नहीं करनी चाहिए. डोंट रेज योर वॉइस एंड इम्प्रूव योर आर्गुमेंट. ये सही है, तेज आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए. और हमें काफ़ी बार जो होता है हमें देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन इसे सॉल्व करना चाहिए. तो काफ़ी चीज़ें मैं इसमें से सीख रही हूँ, इसलिए मैंने जो सोचा कि यू नो मैं अपने जो भी लोग मुझे देखते हैं तो उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँ. और अगर कोई बुक लेना चाह रहे हैं तो वो ये वाली बुक ट्राई कर सकते हैं. जैसे फिक्शन ही अच्छी नहीं होती है, नॉन फिक्शन बहुत अमेजिंग बुक होती है जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत वर्क करती है. सारी चीज़ें पढ़ के आपने जितने भी फ्लॉज हैं उन पर काम कर सकते हो. तो इसलिए ये मुझे लगता है हमारे मेकअप पे तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये एक्टिट एंड लिपचिक टिंट. और ये आपने मुझे काफ़ी बार देखा होगा, मतलब मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे इस वाली वीडियो में कराऊँ और लोगों को बताऊँ कि ये सच में बहुत अच्छा है. बट मुझे जो इसका जो है ना बेकार पार्ट जो लगा ना इसकी पैकेजिंग, बिकॉज इट्स रियली बैड पैकेजिंग. मतलब आपका ना मतलब एक दो बार मेरे ये हल्का सा गिरा है और ये टूट गया. और इसमें आप देख रहे हो इसमें इतना सारा प्रोडक्ट है, डर भी लगता है कि कहीं ये पूरा ही ना टूट जाए और मेरा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाए. बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो सा देता है आप लिप्स को. और ये बहुत, और इसमें ना दो शेड्स आते हैं, एक पिंक आता है और एक ये रेड आता है. और मुझे लगता है कि ये वाला जो शेड है ना बीट रूट वाला ये बेस्ट है. ये सारे इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही बेटर काम करेगा. जो प्राइस है वो 799 है बट इट वर्क रियली अमेजिंग. और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छी है तो इसलिए आप डेफिनेटली इस पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हो. और मैं ब्रांड को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चेंज द पैकेजिंग और कुछ नया पैकेजिंग में लेकर आए, क्योंकि इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. मतलब नॉट टू मच एक्सपेंसिव बट या 799 इट इज. चीज़ है ना वो है ये शुगर की आक अराइवल माइक्रो ब्रो पेंसिल. और इसमें जो शेड है वो है जेरी ब्राउन. और आप देख सकते हो कि मैंने पूरा जो है ये ख़त्म कर दिया. और ये सच में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. इजी टू अप्लाई है, अफोर्डेबल है लाइक 500 में. और टोटली मैं कह रही हूँ कि रिकमेंडेड है. आप जो हाई एंड के प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना उसे ये प्रोडक्ट की तरह काम करता है. बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ईजिली आप इसे जो है लगा ब्यूटीफुल डिफाइन कर देता है, साइड में लग जाता है. इससे ये इतना अच्छा है एंड इतना प्रिसाइज है कि आपका जितने भी प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंगली जो है यहीं पर ही लगेंगे. जो प्रोडक्ट है ना वो है के ब्यूटी का कंसीलर. और आपने इसे मेरे को बहुत बार यूज़ करते हुए देखा, बहुत ही अमेजिंग लगा. लाइट वेट है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है. और ऐसा है कि आप अगर अपने आईज़ पे लगा लो ऐसा नहीं है कि सूख जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा सूखता नहीं है. बहुत जल्दी से ईजिली ब्लेंड हो जाता है. शेड है वो है 160N मीडियम मेरा जो शेड है. मैंने बहुत ही हाइड्रेटिंग है, आपके स्किन पे गुड कवरेज देता है. और ये इसका जो प्राइस है वो भी 850 समथिंग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी है. जो चीज़ है ना वो भी के सो मुझे के ब्यूटी के इन जनरल प्रोडक्ट जो है अच्छे लगते हैं बिकॉज बहुत ही प्यारा टेक्सचर. मतलब मुझे लगता है कि के ब्यूटी कैटरीना कैफ जी ने बहुत अच्छा सा टेक्सचर जो है वो यूज़ करा है. बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है. और ये जो लिपस्टिक है जो शेड है वो है बैक स्टेज. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है. और ये जो शेड है ना आप देखो थोड़ा ऑरेंजिश सा शेड है ये. और ये जो है ना रेड के टोन में है मगर ये थोड़ा ऑरेंज. आप कोई भी डार्क लिपस्टिक लगा रहे हो ना उसके ऊपर आप हल्का हल्का सा आप लगा सकते हो. इसकी पैकेजिंग भी बहुत अमेजिंग है. इसका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत लाइट वेट है. 1000 रुपीज़ की मिलेगी मगर आपको आराम से डिस्काउंट मिलता रहता है. तो आपको शायद यहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा लाइटर है बट इसका जो शेड है ना वो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा जो है ना इसे अपने लिपस्टिक के ऊपर हल्का हल्का लगा. टोटली रिकमेंडेड. दिस चीज़ है ना वो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है. और मेरे पास ना आई थिंक मैक का ज़्यादा सामान है नहीं बट से मैंने ये खरीदा, ये मेरा फेवरेट हो गया है. ये आपकी स्किन को बिल्कुल से रिफ्रेश कर देगा. अगर आप भी किया है पहले, इससे पहले भी अगर लगाते हो आप तो भी आपकी स्किन में आपको लिटरली जो है
फील होगा कि यू नो आपकी स्किन जो है रिफ्रेश सी हो गई, हाइड्रेटिंग सी हो गई है, एंड आफ्टर मेकअप तो ये बिल्कुल सेट कर देता है आपका मेकअप, और ये गुड इन्वेस्टमेंट है अगर आप मेकअप वगैरह यूज करते हो ना, काफी टाइम तक चलता भी है। जैसे मैंने काफी टाइम पहले लिया था, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 months हो गए, और मैं तो जनरली जैसे करती रहती हूँ मेकअप, लाइक हफ्ते में एक बार दो बार करती रहती हूँ, तो ये अच्छा चलता भी, पाउडरी पाउडरी सभी फील होता है आफ्टर मेकअप, तो ये बिल्कुल सेटल कर देता है, ये स्किन में बिल्कुल सेटल भी हो जाता है। लिटिल एक्सपेंसिव वो ये है, मिनिसो डिफरेंट इसकी स्मेल लगी थी, और ये सच में बहुत ही प्यारी सी स्मेल है, और सस्ता 80 rupees में मिल जाएगा, और इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है। क्यों ना मैं इसे अपनी वीडियो में लूँ और इसे भी बताऊँ आप लोगों की, अगर आप कभी मिनिसो जाते हो तो आप डेफिनेटली ले सनसेट पर्पल। सो यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मच फॉर वॉचिंग।